हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले की सब्जी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो में बताए हुए तरीके से करेले बनाएंगे तो करेले कुरकुरे भी बनेंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे। चलिए फ्रेंड्स, समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्रेंड्स, हमको चाहिएंगे 4 से 5 करेले जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, 2 टमाटर जिनको मैंने कद्दूकस कर लिया है, 12 से 13 लहसुन की कलियां, 4 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं फ्रेंड्स जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। फ्रेंड्स, हमको करेले को इस तरीके से काटने के बाद इसमें लगभग आधे घंटे के लिए नमक लगा कर रख देना है और आधे घंटे के बाद हम इनको अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे और सारा पानी निकाल देंगे, जिससे करेले का सारा कड़वापन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमको एक पैन लेना है, उसमें तेल को गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स, तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है, अब हम इसमें करेले डाल लेते हैं और फ्रेंड्स इनको हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक कि इनका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो हमने सारे करेले डाल लिए हैं और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से करेले बनाएंगे तो जो आपके फैमिली मेम्बर करेले खाना नहीं पसंद करते हैं वो भी आपके घर में खाना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कंटिन्यू चलाते हुए करेले को थोड़ा थोड़ा भून लिया है, लगभग आधा एक मिनट के लिए इसको और भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमको गैस का फ्लेम इस समय हाई रखते हुए ही भूनना है। तो लगभग आधे मिनट के बाद आप देखेंगे कलर इनका चेंज होने लग गया है। जब इनका कलर चेंज होने लगेगा, आप देख सकते हैं इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने लगेगा, तब लो फ्लेम पर हम इनको और भी लगभग 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। इससे क्या होगा, करेले में करारापन आएगा और इसका कड़वापन भी दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब तक करेले कुक होते हैं तब तक हमने जो लहसुन है उसको इस तरीके से प्रेस करके तैयार कर लेंगे। आपको लहसुन को काटना नहीं है, ना ही पीसना है, इस तरीके से प्रेस करना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, लहसुन का एक अलग ही स्वाद आएगा करेले में। तब तक आप देख लेते हैं करेले कितने बन चुके हैं। आप देख सकते हैं करेले अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए, ये देखने में भी क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। और ये इतने करारे हो चुके हैं कि करेले ने कोई ज़्यादा तेल भी नहीं सोखा है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में काफी तेल बचा हुआ है। करेले को अच्छी तरीके से निचोड़ते हुए प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, एक बार मैं करेले का आपको क्लोजर व्यू दिखा देती हूँ। देख सकते हैं करेले कितने क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए, और ये पक भी चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ था हम इसी में ही प्याज को डाल लेंगे और इनको भून लेंगे। फ्रेंड्स, हमको प्याज को मीडियम फ्लेम पर ही लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इससे क्या होगा, प्याज में थोड़ा सा क्रिस्पीनेस रहेगी और सब्जी हमारी टेस्टी लगेगी। तो हमको प्याज को टाइम दे करके भूनना है। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करने लग गई है। और लगभग 3 से 4 मिनट तक प्याज को भूनने के बाद आप देखेंगे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम प्याज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने करेले और प्याज को भून करके रख लिया है। फ्रेंड्स, अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डाल लेंगे और सब्जी को फ्राई कर लेते हैं। तो हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और थोड़ी सी मेथी दाने। फ्रेंड्स, साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे लहसुन की कलियां और इनको थोड़ी देर अच्छी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर की प्यूरी और इसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अब थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। फ्रेंड्स, ये सारे मसाले डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से भून लेंगे और जब मसाले भून जाएंगे हम इसमें डाल लेंगे करेले
और साथ ही साथ हम इसमें डाल लेंगे प्याज। और फ्रेंड्स सारी चीज़ें डालने के बाद हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं फ्रेंड्स। लगभग हमको 2 मिनट के लिए इनको लो फ्लेम पर और इसी तरीके से पकाना है। फ्रेंड्स अभी तक हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो अब हम इसमें डाल लेते हैं 1/2 छोटी चम्मच नमक। नमक हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि करेले को काटने के बाद हमने उसमें नमक डाल करके ही निचोड़ा था, तो इसलिए हमें थोड़ा नमक का ही यूज़ करना है। फ्रेंड्स नमक डालने के बाद हम इनको थोड़ी देर इसी तरीके से चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं करेले कितने खिले खिले बने हुए हैं। फ्रेंड्स अब हम इनको ढक्कन ढक करके लगभग 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। फ्रेंड्स 2 मिनट के बाद हम देखेंगे करेले बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में करेले कितने सुंदर लग रहे हैं। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये करेले देखने में जितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स आप भी एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। बाय।